मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आगामी 27 सितंबर को होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में प्रचार करने के लिए छिंदवाड़ा दौरे पर हैं। वहां पर 3 स्थानों पर जनसभा को संबोधित करेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे। नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में दमुआ आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने जो योजनाएं बनाई थी उनको कमलनाथ सरकार ने बंद कर दिया है। कमलनाथ ने संबल योजना को भी बंद कर दिया, जिसमें बच्चे के जन्म से पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 मिलते थे, लेकिन अब मामा फिर सत्ता में है। अब हम हर किसी को भी योजना का लाभ दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि मैंने मेधावी छात्रों के लिए भी योजना शुरू की है, जिसमें मेधावी बच्चों को IIT और IIM की पढ़ाई के लिए भी चाहे जितना भी खर्च हो वह सरकार वहन करेगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जरूरतमंदों को पट्टा भी प्रदान करेगी और सभी को फ्री राशन भी उपलब्ध कराया जाएगा। बंद की आप सवा साल सत्ता में रहे, आपने मेरी एक एक योजना बंद कर दी। आखिर संबल योजना में क्या था? मेरी बहनें बड़ी संख्या में बैठी है। मेरी बहनों, संबल योजना में हमने तय किया था कि अगर हमारी बहन बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले उसको 4,000 रुपया और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया देंगे, ताकि मजदूरी करने वाली बहन भी बेटा बेटी को जन्म देने के बाद घर पर रहकर आराम कर सके और बेटा बेटी को पाल सके। कमलनाथ जी, आपने संबल योजना बंद कर दी। मेरी बहनों, अब आपका भाई मुख्यमंत्री है, मैंने फिर से संबल योजना चालू कर दी है। बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000 और बाद में 12,000। अब संबल में भी इन्हें कई नाम काट दिए। ये मैं आपसे भी कह रहा हूँ, जो हमारे नेता बैठे उनसे भी कह रहा हूँ कि शिविर में संबल योजना के जो नाम कटे हैं उनके आवेदन भी दिलवाना, जिनके नाम कट गए हैं और जो पात्र है गरीब उनके नाम मामा फिर से जुड़वाएगा और ये व्यवस्था फिर से करने का काम करेगा। छिंदवाड़ा से BCN न्यूज के लिए शेखर राजपूत की रिपोर्ट।